डॉक्टर साहब हेल्थ इमरजेंसी, जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं वो इसको हेल्थ इमरजेंसी मान रहे हैं, और जो कदम हाल फिलहाल में उठाए हैं ग्रैब वन से लेकर ग्रैब फोर तक, क्या ये हेल्थ इमरजेंसी को एड्रेस करने के लिए काफी है या कुछ और भी किया जाना चाहिए? जी नमस्कार आपको और सभी दर्शकों को। सही मायने में आज जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की जो डाटा आ रहा है वो इमरजेंसी सिचुएशन है। मैं सुबह देख रहा था 9 बजे आनंद विहार में AQI जो है 929, और अभी जानकारी मिली कि 999 तक भी पहुंचा है। कुछ विषय मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। ये एयर क्वालिटी इंडेक्स होता क्या है? एयर क्वालिटी इंडेक्स में 8 पैरामीटर होते हैं, जिसमें PM 2.5, PM 10, जी ओजोन, मैक्स, सल्फर, कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और लेड। अगर हम इसकी डिटेल में स्टडी करें तो जब सुबह का हम देखें तो PM 2.5 580, PM 10 229, जी ओजोन 26, नॉक्स 52, सल्फर डाइऑक्साइड 1 और कार्बन मोनोक्साइड 27। जी जो हाईएस्ट रीडिंग आती है उसको एक ही लेते हैं, PM 10 929 सुबह 9 बजे था, जो बाद में 999 भी हुआ। 999 के बाद तो कैलकुलेशन ही होना बंद हो जाता है मेरे ख्याल से। उस नौ ऊपर सौ तो निन्यानवे को रेड लेटर डे ऑफ द हिस्ट्री कहते हैं, जी और दिल्ली का कोई की टैग मिला हुआ कि 2-3 साल में पूरे विश्व में रेड टैग डे, रेड लेटर डे वो दिल्ली को मिलता है। ये अच्छी बात नहीं है हम सब के लिए, जी चाहे हम जो काम करते हैं ठीक नहीं है। पर मैं इसके आपको सोर्स पे भी जानना चाहता हूँ। और देखिए अब आप एक चीज समझ लीजिए इस डाटा से कि ये डाटा ये कहता है कि जो PM 10 और PM 2.5 ये ही ज्यादा है, बाकी चीजें अंडर कंट्रोल है, यही इमरजेंसी है। जी अब PM 2.5 और PM 10 आता है डस्ट से, कंस्ट्रक्शन वेस्ट से, स्टबल या पराली बर्निंग से, और प्राकृतिक रूप से जहां डॉक्टर साहब हवा हम थोड़ा संक्षेप में अगर बातों को जाएं, जैसे PM 10 और 2.5 इनके कारणों के बारे में, इनकी डिटेलिंग के बारे में बहुत सारी बातें होती है, लेकिन सवाल ये लोगों के जहन में इस समय आ रहा है कि जो कदम अब उठाए गए हैं, ग्रैब वन के तहत जो उठाए गए असर नहीं दिखा, ग्रैब टू के तहत जो दिखाए उठाए गए असर नहीं दिखा, ग्रैब थ्री के तहत जो उठाए गए उसके बाद और AQI लेवल का डाउनफॉल देखा गया, अब ग्रैब फोर लागू हो गया है, ये तमाम कदम हमारी हवा को साफ करने में कितने कारगर हो सकते हैं आने वाले दिनों में, कितने दिनों में इंपैक्ट दिखेगा? मैं बता रहा हूँ, जो एयर पोल्यूशन है वो दो तरीके से होता है, एंथ्रोपोलॉजिक, मैनमेड और नेचुरल। जी अभी मुझे लगता है कोई भी आप कदम उठाए इसमें कोई फायदा नहीं होने वाला, सिर्फ प्रकृति ही इसको साफ करती है। हवा तेज चलेगी तो ही ये पोल्यूशन होगा। आप कितने ही चाहे ऑडी वन कर लें, चाहे ग्रैफ थ्री लगा लें, ग्रैफ फोर लगा लें, मैं डिटेल में भी बता सकता हूँ, पूरा कोई फायदा नहीं होने वाला इसके लिए। पोल्यूशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो टेम्पररी आप कुछ नहीं कर सकते, आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो चीजें हैं आप सिर्फ भगवान से ही प्रार्थना कर सकते हैं। मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ पर मुझे लगता है कि नेचुरल जो हवा की स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि आज मैंने देखा कई जगह हवा की स्पीड आता है। अनिल जी आपके पास आता हूँ, महत्वपूर्ण बात बोली है कि आसमान से ही अगर रहमत की बरसात होगी तो फिर हालात तुरंत सुधर सकते हैं। मैं सीधे यहाँ पर रुख करना चाहूंगा परेश गोस्वामी जी का। अब सब लोग आसमान की तरफ टकटकी लगाए बैठे हैं सर, और आसमान आपके नजरिए में क्या कह रहा है, मौसम हाल फिलहाल में क्या संकेत दे रहा है, हवा की गति के ऊपर सबकी निगाहें हैं, हवा की गति को लेकर क्या संकेत मिल रहे हैं, मौसम का ये बदलाव हाल फिलहाल में कोई दिखाई दे रहा है क्या? जी बात की जाए तो आनंद जी, अभी जो नवंबर का पहला हफ्ता सप्ताह चालू हो गया है, और विषय देखा जाए तो अक्टूबर के लास्ट वीक में जो है जो WDA यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो पश्चिमी विक्षेप जो आने वाला होता है वो आ जाता है, और पश्चिमी विक्षोभ की वजह से जो पहाड़ी इलाके उनमें बर्फ वर्षा चालू हो जाती है, और जो हवाओं की जो दिशाएं है वो कभी कभी उत्तरी और उत्तरी पूर्व की हवाएं चलनी चाहिए, और हवा की जो स्पीड है उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। लेकिन अलनीनो की कंडीशन की वजह से इस साल जो हमारा जो ठंडी का जो सीजन है, जाड़ों का जो सीजन है, वो 20 से 25 दिन लेट चल रहा है। इसीलिए कहा जा सकता है कि अभी जो WD यानी कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो रेगुलर आते हैं वो आज की तारीख में देखा जाए तो आज भी कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर भारत के ऊपर से गुजर रहे, कोई बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी मौजूद नहीं है, और आने वाले 15 दिनों तक कोई बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाला नहीं है। इसीलिए जो उत्तर भारत के जो पहाड़ी इलाके हैं या फिर जो मैदानी इलाके, उन सभी क्षेत्रों में अभी कोई बारिश की आशंका नहीं है। इसीलिए
जो अभी एक प्रदूषण की जो समस्या चल रही है उसमें से कम 15 दिन के लिए आप हमें कोई छुटकारा मिले, ऐसी कोई कंडीशन अभी दिख नहीं रही है। जी यानी कि अब देखा हवा जाए की तो गति, हवा की गति बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अभी हवा की गति का स्टेटस क्या है और हवा की गति कितनी होनी चाहिए कि ये स्मॉग की जो मोटी चादर पूरे के पूरे दिल्ली एनसीआर में दिखाई दे रही है, उसको बहा के ले जाए और ये सेटल डाउन हो जाए। देखिए, हवा की बात की जाए तो अभी 10 से लेके 14 तक अलग अलग क्षेत्रों में हवा की जो रफ्तार है वो चल रही है, लेकिन यहाँ पे हवा की जो स्पीड है वो बढ़नी चाहिए। हवा की स्पीड बढ़ के 20, 21, 22 तक अगर चली जाती है तो 2 दिन में हमें थोड़ा इसमें से जो छुटकारा मिल सकता है, लेकिन अभी बात की जाए तो 10 तारीख तक हवा की रफ्तार में कोई बढ़ोतरी हो जाए ऐसा संकेत अभी भी नहीं दिखा रहा है। क्योंकि जब भी जो मॉनसून का सीजन चल रहा है तभी पश्चिमी या तो फिर पश्चिम दक्षिणी हवाएं चलती है, अभी हवाएं घूमना चालू हुई है, अभी उत्तर और उत्तरी पूर्वी की हवाओं का जो रुख है वो चालू हो चुका है, लेकिन ये हवा में जो बदलाव की वजह से जो एकदम स्पीड में उसकी बढ़ोतरी होनी चाहिए वो अभी 10 तारीख तक कोई बढ़ोतरी हो जाए ऐसा अभी संकेत नहीं मिल रहा है। हाँ, एक बात तय है कि 10 तारीख के बाद धीरे धीरे हवाओं की स्पीड में बढ़ोतरी होगी और हमें इसमें से राहत मिल सकती है।